हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आप सबके अपने चैनल ज्योति मेकी में। मैं ज्योति आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं आप सभी को एकदम मज़ेदार सी रेसिपी लेकर के आई हूँ जो आज मैं आप सभी को बताने वाली हूँ। तो आज मैं आप सभी को पकौड़े कड़ी बनाना बताऊँगी जो कम समय में झटपट से बनकर तैयार हो जाता है और खाने में काफ़ी ही स्वादिष्ट लगता है। एकदम मार्केट की तरह, हलवाई की तरह, जिस तरह से हलवाई बनाते हैं, आज मैं उसी तरीके से पकौड़े कड़ी बनाना बताऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं ये सुपर और डुपर मज़ेदार सी रेसिपी बनाना। तो यहाँ मैं ली हूँ एक कटोरे, तो एक इस कटोरे में मैं अब डालती हूँ बेसन। तो यहाँ मैं एक कटोरा यहाँ बेसन ली हूँ और इसमें डाल दी हूँ। तो दो बारीक कटा हुआ प्याज मैं डालती हूँ, और दो बारीक कटा हुआ लहसुन मैं इसमें डाली हूँ, आधा चम्मच अजवाइन, एक चम्मच हल्दी छोटा चम्मच से, और स्वाद के मुताबिक इसमें डालना है नमक, एक चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट इसे मैं डाल दी हूँ और हाथों से मैं इसे मिला देती हूँ। तो इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका जो है पकौड़ी बनाने के लिए अच्छा से बेटर बना लेना है, ना ही ज़्यादा सख्त और ना ही ज़्यादा ढीला। तो इसे मैं पानी थोड़ा थोड़ा इसमें डाल देती हूँ और पकौड़ी बनाने के लिए मैं इसे तैयार कर लेती हूँ। तो इसमें एक बार ही पानी नहीं डालना है, बस थोड़ा थोड़ा करके पानी डालना है, इसे ज़्यादा गीला नहीं करना है और ना ही ज़्यादा टाइट करना है। तो ये देखिए, मैं यहाँ एक कटोरे बेसन के लिए मैं आधा कटोरे से कुछ ज़्यादा पानी मैं इसमें डाली हूँ और परफेक्टली ये घोल बनकर तैयार हो चुका है। तो अब मैं इसमें पकौड़ी बनाना स्टार्टिंग करती हूँ। तो यहाँ मैं ली हूँ एक पेन, और इस पेन में मैं सरसों का तेल डाल दी हूँ। आप जो तेल पसंद करते हैं, सरसों तेल या फॉर्चून, आप जो भी पसंद करते हैं वो तेल आप बना सकते हैं। तो यहाँ मैं सरसों के तेल से बना रही हूँ। तो यहाँ मैं सरसों का तेल इसमें डाल दी हूँ और तेल अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। इसे मैं चारों साइड से घुमा घुमा कर इसमें पकौड़ियाँ बना रही हूँ। तो साइज आप अपने हिसाब से भी डाल सकते हैं, छोटा या बड़ा, जिस टाइप का आपकी पकौड़ी पसंद हो उस टाइप का पकौड़ी आप इसमें डाल सकते हैं। ना ही इसमें मैं छोटा डाल रही हूँ, ना ही बड़ा, मैं मीडियम साइज की पकौड़ियाँ यहाँ बना रही हूँ। यहाँ मैं कढ़ाई में डाल दी हूँ और इसे 2 से 3 मिनट के लिए मैं इसे मीडियम आंच पर पकने दी हूँ। इसके बाद मैं इसे पलट दी हूँ। तो पलटने के बाद भी इसे 2 से 2.5 मिनट के लिए इसे पकाना है, क्योंकि ये अंदर तक ये अच्छी तरह से पक जाए। इसे तेज आँच पर नहीं पकाना है, तेज आँच से क्या होगा, ऊपर से तो पक जाएगा बट बीच में जो है कच्चा रह जाएगा। इसलिए जब भी आप पकौड़ियाँ या बड़ी कुछ भी बनाते हो तो इसे लो टू मीडियम आँच पर ही पकाएं। तो इसे मैं टोटल यहाँ 4 से 5 मिनट में इस बड़ी को पकाई हूँ, और ये देखिए सुनहरा हो चुका था। तो इसमें सारी बड़ी को निकाल ली हूँ। इसी तरह से जो बाकी घोल बचा था उसे भी मैं ऐसे ही पकौड़ी बनाकर कंप्लीट कर लेती हूँ। उसके बाद मैं बनाना स्टार्टिंग करूँगी। दोस्तों, आप झटपट से एकदम मार्केट की हलवाई की तरह आप कड़ी पकौड़े घर पर भी बना सकते हैं। तो मैं उसी तरीके से बस घर पर ही बना रही हूँ। दोस्तों, ये कड़ी पकौड़े बनाने की रेसिपी आप लास्ट तक देखिए। यदि ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। यदि कोई नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब कर दीजिए और ऑल नोटिफिकेशन दबाइए, जिससे मैं कोई रेसिपी डालूं तो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो यहाँ मैं पकौड़ियाँ बनाकर कंप्लीट कर चुकी हूँ। तो चलिए, ये पकौड़ियाँ बनकर कंप्लीट हो चुका है। तो चलते हैं आगे के प्रोसेस में। तो आगे क्या करना है, तो यहाँ मैं ली हूँ बॉल, जिसमें मैं पकौड़ी का डो बनाकर तैयार की थी। तो वो बॉल मैं यहाँ ली हूँ। तो उसमें मैं डालती हूँ एक कटोरे खट्टी दही। यदि आपके पास ताजी दही नहीं है तो कोई बात नहीं है, यदि आप कम खट्टा पसंद करते हैं तो इसमें ताजी दही का बनाइए, और यदि ज़्यादा खट्टा पसंद करते हैं तो इसमें खट्टी दही का बना सकते हैं। यहाँ मैं खट्टी दही ली हूँ, तो क्योंकि कड़ी पकौड़ा खट्टा ही अच्छा लगता है। तो यहाँ मैं एक बॉल यहाँ खट्टी दही ली हूँ और इसमें डाली हूँ 2 चम्मच बेसन। इसे डालकर मैं चम्मच की सहायता से इसे अच्छी तरह से फेंट लेती हूँ, जिससे दही की जो भी गुठलियाँ हैं वो सारे बेसन में अच्छी तरह से मिल जाए। यहाँ मैं 5 कटोरे यहाँ पानी डाल रही हूँ। जिस कटोरे से मैं यहाँ दही ली थी एक कटोरा, उसी कटोरे से मैं यहाँ 5 कटोरा इसमें पानी डाली हूँ। तो पानी डालकर इसे मैं अच्छी तरह से मिला देती हूँ, और ये देखिए घोल किस तरह से बनकर तैयार हो चुका है।
ना ही ज़्यादा मोटा है ना ही ज़्यादा पतला है। तो अब क्या लेना है, यहाँ मैं लिखूँ कुछ मसाले जो मैं अभी तेल में डालने वाली हूँ। तो 2 तेज़पत्ता, 4-5 में सूखी मिर्च, लहसुन की कलियाँ, जीरा, साबुत, धनिया और 5 फोरन, ये मैं यहाँ कुछ मसाले ली हूँ। तो यहाँ मैं 2 बारीक कटा हुआ प्याज ली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं ये बनाना। तो यहाँ मैं वही पेन ली हूँ, तो इस पेन में ज़्यादा तेल था तो तेल मैं और निकाल ली हूँ। और ये मैं तिल पत्ता, मिर्च और जीरा, 5 फोरन और लहसुन की जो कलियाँ थी तो ये सारे मसाले मैं इसमें डाल दी हूँ। और इसको हल्का चटकने देती हूँ जब तक कि इसे धुआं निकलना स्टार्टिंग ना हो जाए। तो धुआं निकलना जब स्टार्टिंग हो जाएगा तो इसमें मैं डालूँगी प्याज। इससे बहुत ही अच्छा कढ़ी में खुशबू आता है, खाने में भी काफ़ी स्वादिष्ट लगता है। यहाँ मैं बारीक कटा हुआ 2 प्याज जो ली थी वो मैं डाल देती हूँ और इसको हल्का सुनहरा होने तक मैं इसे पका लेती हूँ। दोस्तों ये कढ़ी पकौड़ा घर पर ही बन जाता है झटपट से, बहुत ही स्वादिष्ट लगता है खाने में। ये प्याज जो है सुनहरा हो चुका है। तो अब मैं इसमें डालती हूँ 1 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और इसे अच्छी तरह से मैं यहाँ मिला देती हूँ। इससे क्या होता है कढ़ी में बहुत ही अच्छा सा कलर आता है। इसे मैं डालकर अच्छी तरह से मिला दी हूँ। और ये जो मैं घोल यहाँ बनाकर तैयार की थी उस घोल को मैं अच्छी तरह से एक बार मिला देती हूँ और इसमें मैं डाल देती हूँ। डालने के बाद इसे क्या करना है, कंटिन्यू चलाते रहना है, नहीं तो क्या होगा, दही खट्टी थी तो ये फटने की संभावनाएं रहती है ऐसे छोड़ देंगे तो, और जो मैं बेसन डाली थी वो गुठलियाँ बांध देगा। इसलिए जब तक इसमें बॉयल आना स्टार्टिंग ना हो जाए इसे कंटिन्यू चलाते ही रहना है। यहाँ देखिए बॉयल आना हल्का हल्का स्टार्टिंग हो चुका है। तो इसे मैं और अच्छी तरह से बॉयल आने देती हूँ। ये बॉयल आना स्टार्टिंग हो चुका है। तो अब मैं इसमें डालती हूँ पकौड़ियाँ, जो मैं पकौड़ियाँ यहाँ बनाकर कंप्लीट कर ली थी वह मैं पकौड़ियाँ इसमें डाल देती हूँ। तो ये बॉयल खूब बहुत ही अच्छी तरह से आ चुका है। तो अब मैं इसमें पकौड़ियाँ डाल देती हूँ और पकौड़ियाँ डालकर इसे मैं अच्छी तरह से मिला देती हूँ जिससे कि ये पकौड़ियाँ जो है कढ़ी में अच्छी तरह से मिल जाए। तो इसे मैं अब ढक देती हूँ और ढकने के बाद इसे मैं 3 मिनट के लिए और पकने देती हूँ जिससे कि ये सारी बड़ी फूल जाए और अच्छा लगे खाने में। तो इसलिए मैं इसे 3 मिनट के लिए और इसे ढककर पका लेती हूँ। तो ये 3 मिनट हो चुका है, पकौड़ा का कलर जो है वो भी चेंज हो चुका है और देखने में भी काफ़ी ही अच्छा लग रहा है। तो इस ये बनकर तैयार हो चुका है। तो अब मैं इसमें डालती हूँ नमक, क्योंकि मैं हल्का ही नमक डाली हूँ। आप अपने स्वाद के मुताबिक इसमें नमक डाल सकते हैं। तो यहाँ मैं हल्का ही नमक डाली हूँ क्योंकि हल्के खाने वाले थे इसलिए मैं हल्का नमक इसमें डाली हूँ। तो आप अपने चॉइस के हिसाब से नमक आप डाल सकते हैं, जितना आप पसंद करते हैं उस हिसाब से आप डाल दीजिए। और उसके बाद लास्ट में अब यहाँ डालना है 1 चम्मच गरम मसाले। तो यहाँ कढ़ी बनकर तैयार हो चुका है। तो अब मैं इसमें लास्ट में डाली हूँ गरम मसाला और कढ़ी पकौड़ा बनकर तैयार हो चुका है। दोस्तों आप भी इसे एक बार बनाइए और ट्राई कीजिए। ये मैं झटपट से बनाकर एकदम मज़ेदार सी रेसिपी तैयार की हूँ। तो इसे मैं 1-2 मिनट तक और गरम मसाला डालने के बाद मैं इसे बॉयल कर ली थी। तो ये अच्छी तरह से उबल चुका था और इसे मैं अब नीचे कर ली हूँ। तो इसकी आ रही हूँ, ये देखने में कितना सुंदर लग रहा है। अब मैं इसे करती हूँ सर्व। दोस्तों आप सभी आ जाइए खाने के लिए, कढ़ी पकौड़ा बनकर तैयार हो चुका है। दोस्तों आप सबको वीडियो लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि कोई चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और ऑल नोटिफिकेशन दबाइए जिससे मैं कोई भी वीडियो डालूं तो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।